हाय एवरीवन, कैलकुलस पार्ट वन रे आज हमें सेट्स देखिबा, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तल देखो, ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट? तो जो ऑब्जेक्ट को हमें वेल डिफाइंड भाव में कलेक्ट करके लिखा कौन कहे सेट बोली कहे। सपोज धर कह तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो कौन नेचुरल नंबर आम जानचे कौन 1, 2, 3, 4 एमती कंटिन्यू हो जाए बुझेगा। तो ताको आम धर सपोज दे कौन एन बिल कहे एन है कौन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। से द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तेल जेड को आम एमती लिखिपर कौन -2, -1, 0, 1, 2। देख इंटीजर रहा सेमती क्यू आम कहे क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ऑल रैशनल नंबर्स देख क्यू को आम लिखा क्यू इज इक्वल टू देखा क्यू रे क्यू पी बाय क्यू आकार रोचे जो कौन पी क्यू बिलंगस टू जेड क्यू नॉट इक्वल 0। तो रिप्रेजेंट कला मुझे कहि खाली आगे देखे आउट कौन कौन आर है कौन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तेल देख कौन सी सेट को आम रिप्रेजेंट कौन करा ना देर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने दुटा मेथड अच्छे गोटे है कौन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म आउटाला कौन सेट बिल्डर फॉर्म। तेल देख रोस्टर आउ टेबुलर फॉर्म कौन ना सपोज मुझे कहि द आ मन रख आम जो सेट को रिप्रेजेंट करवा सेट नाटा कौन हो सेट्स आर यूजुअली डिनोट बाय कैपिटल लेटर। मन रख सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स दैट इज ए बी सी इट्स सेमती एंड देयर एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल नंबर एंड देयर एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। सपोज धर मुझे कह एग्जांपल गोटे नेबी ये धर ए सेट सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू वॉवेल्स सेट वॉवेल्स सेट ऑफ वॉवेल्स आम जानते इंग्लीश अल्फाबेट वॉवेल्स है 5टा तेणुक ए ई आई ओ यू तो सेट को रिप्रेजेंट करें कैपिटल लेटर लिखा आउ कौन करें दुटा कर्ली ब्राकेट भितर आ एलिमेंट्स गुड़ कौन कमा दे लिखा। तो जितेबाला ई आकार लिखा आम कौन कह रोस्टर टेबुलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म रे कौन होची ना एलिमेंट्स गुड़ी को हमें ब्रैकेट भितर क्या भितर ना कर्ली ब्रैकेट भितर रहा कौन कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट भितर कौन ए बी सी रोस्टर फॉर्म बुझेगा। आउ कौन ना धर सपोज एम कह एलिमेंट्स आर शुड बी डिस्टिंक्ट कौन ना सपोज स्कूल गोटे लेटर धर ये सेट ए ताको जो आम कह लिखा एस सी एस ओ ओ एल देख ये ओ दिथर रिपीट होती तेणुक आपको एमती लिखे कौन से एलिमेंट को रिपीट करें कौन सी एच ओ एल। तेल देख जदि कौन से सेट को रिप्रेजेंट करुचे रोस्टर फॉर्म रे कर्ली ब्रैकेट भितर रखुचे एलिमेंट गुड़ जब रिपीट होती तो आम कौन करवा रिपीट एलिमेंट पर सिंगल एलिमेंट रखा डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखा बुझेगा। ये दुटा सेट बिल्डर फॉर्म कौन ना सेट बिल्डर फॉर्म ना सेट बिल्डर फॉर्म कौन ना ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी एलिमेंट्स पजेस कॉमन प्रॉपर्टी एलिमेंट्स सजेस कौन कॉमन प्रॉपर्टी कौन
एंड इज नॉट पजेस्ट एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। आउटसाइड रे माने दत जो एलिमेंट गुड़ो सेमानकर कम तांको भी गोटे कमन प्रॉपर्ट थी एवं से सेट बाहर आउ कौन से एलिमेंट पाखे सेमती प्रॉपर्ट न थी। सपोज आम गोटे ये नहीं कौन सपोज ए इज इक्वल टू ए आई ओ यू ये कौन सेट अफ वॉयल्स ये जो पांचटा लेटर रही एलिमेंट्स रही एम गोटे कमन प्रॉपर्टी है कौन ना समस्त मैंने कौन गोटे गोटे वॉयल्स ये सेट बाहर आउ किसी ना तो आम के लिखा एमती आम रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म लिखा ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट भितर एक्स बा द सेट अफ अल एक्स सच दैट द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स इज ए से कमन प्रॉपर्टी को लिखे एक्स इज ए वॉयल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट बुझेगा एटाला कौन बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म अर्थ जो कमन प्रॉपर्टी थी से कमन प्रॉपर्टी को आम कर्ली ब्रैकेट भी लिखा आमती एक्स सच दैट आम या रीड करा द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉयल अफ इंग्लिश अल्फाबेट बुझेगा देखना केत एक्जामपल करवा राइट द सल्यूसन अफ द सेट अफ द इक्वेसन सल्यूसन सेट अफ द इक्वेसन एक्स स्क् प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल जीरो इन रोस्टर फर्म मैंने कौन ना आम कर्ली ब्रैकेट भी एलिमेंट गुड़ कमा देखिए लिखा ये देख इक्वेसन कौन दे ना एक्स स्क्वयर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो आम सल्व करा जाने एट गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्व करा प्रोसेस तुम जानते आईदर तुम फैक्टराइजेशन मेथड कर पार बा डायरेक्ट फर्मुला पुड़ पार तो बेटर हम ये आम कौन फैक्टराइजेशन करदे आमको इजी हम एक्स स्क्वयर देख फैक्टराइज कर मिडिल टर्म को स्प्लिट करवा टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो इफ यू टेक कमन एक्स देन इट्स एक्स प्लस टू इफ यू टेक माइनस वन कमन हियर देन इट्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो देन इन बोथ दि टर्म एक्स प्लस टू इज टेक एज कमन देन एक्स माइनस वन इज होल इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज इक्वल टू वन तेल एक्स आम दुटा वैल्यू पाइल गोटे माइनस वन माइनस टू आउट है कौन वन पाइले सो आम एम लिखा से कह सल्यूसन को आम कौन इक्वेशन लिखा इज ए इज अ सल्यूसन ए इज इक्वल टू वन माइनस टू देख कर्ली ब्रैकेट भितर कौ फर्म्रे कह रोस्टर फर्म दिस इज द रोस्टर फर्म बुझेगा जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द सेट एक्स सच दैट द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म देख एटी आमको देगा कौन सेट बिल्डर फॉर्म रे अछि सेट बिल्डर फॉर्म को आम कौन करा पड़ो रोस्टर फॉर्म रे लिखा पड़ो रोस्टर फॉर्म में लिखा पड़ो तो देख आम कमी लिखा ये देख प्रॉपर्टी कौन देखिए एक चीज पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर आम जानते पॉजिटिव अच्छे नेगेटिव अच्छे जीरो अच्छे तो पॉजिटिव इंटीजर कही से जो इंटीजर गुड़िकर स्क्वायरटा लेस देन 40 हवा दरकार लेस देन कौन हवा दरकार 40 हवा दरकार देख पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 एम स्टार्ट हो कौन हम एक्स स्क्वायर लेस देन 40 दिस इज द प्रॉपर्टी तल देख वन स्क्वायर इजल वन लेस देन 40 टू रो स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेस देन 40 थ्री रो स्क्वायर इजल 9 40 फोर रो स्क्वायर 16 लेस देन 40 फाइव रो स्क्वायर 25 लेस देन 40 सिक्स स्क्वायर 36 लेस देन 40 7 स्क्वायर 49 ग्रेटर देन 40 तेणुक आम 7टा जीवन तो आम कौ जाए 6 जाए जीव सो आंसर हम कौन ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुझेगा दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 एमती कंटिन्यू होगा इन सेट बिल्डर फॉर्म देख ये आम कौन दे रोस्टर रू रोस्टर फॉर्म टू सेल बिल्डर फॉर्म अर्थात आम सेट को रिप्रेजेंट कर आइदर सेल बिल्डर रे कर रोस्टर कर आइदर तक आम इंटरचेंज कर देख ये आमको ए कौन देना ए इज इक्वल टू वन
फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव एमती कंटिन्यू हो जाए। आगे देखिए एलिमेंट भितर किसी कमन प्रॉपर्टी अच्छी कमन प्रॉपर्टी ना कमन प्रॉपर्टी कौन आंकर ना ये सब कौन जितक आम नेचुरल नंबर रही तार सब कौन स्क्वायर देख नेचुरल नंबर कह रे ना वन सो दैट इम्प्लाइज वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन आउटाला कि टू टू रो स्क्वायर इज इक्वल टू फोर थ्री थ्री रो स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन फोर फोर रो स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन फाइव फाइव रो स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तेल देख एम सब कौन नेचुरल नंबर गुड़िक स्क्वायर तेल आम कमन प्रॉपर्टी पाईले तो लिखा कौन ना ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स तुम नहीं पार द सेट ऑफ ऑल वाई एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द सेट वन बाय टू टू बाय थ्री थ्री बाय फोर फोर बाय फाइव फाइव बाय सिक्स सिक्स बाय सिक्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म तो सपोज ए इज इक्वल टू वन बाय टू टू बाय थ्री थ्री बाय फोर फोर बाय फाइव फाइव बाय सिक्स सिक्स बाय सेवेन तेल देख ये आम कॉमन प्रॉपर्टी देखा किम जानवा देख ये वन बाय टू अच्छी तेल या कोई देखिए वन बाय वन प्लस वन ये अच्छे टू बाय थ्री अच्छी टू बाय टू प्लस वन करपरि देख टू बाय थ्री टाक टू प्लस वन कली थ्री बाय फोर टाक करपरि थ्री बाय थ्री प्लस वन से फोर बाय फाइव टाक करदे कौन फोर बाय फोर प्लस वन ये फाइव बाय सिक्स फाइव बाय कौन सिक्स बाय सेवेन अच्छे तेल देख सेमती फाइव बाय सिक्स इज इक्वल टू फाइव बाय फाइव प्लस वन सिक्स बाय सेवेन इज इक्वल टू सिक्स बाय सिक्स प्लस वन तापर तो ना ये अच्छे टोटाल के गोटे दुटा तीन टाइम चार्टा पाँचा छा छा एलिमेंट अच्छे तो ये देख सो कमन प्रॉपर्टीटा कौन जो एन बाई एन प्लस वन जी ये सिक्स जगह सेवेन पड़े सेवेन बै सेवेन प्लस वन एट बै एट प्लस वन तो एन बै एन प्लस वन दिस इज द प्रॉपर्टी कमन प्रॉपर्टी तो देख या कमी लिखा सेल बिल्डर फॉर्म जी लिखा ए इज इक्वल टू कौन लिखा है धरने द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन तेल ये जमी रखा एनटा कौन एन बिलंगस टू हुयर हुयर एन बिलंगस टू एन बा लिखिद हुयर एन इज ए नेचुरल नंबर बा एन बिलंगस टू कैपिटल एन को आम कौन कहे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंडीशन कौन अटी नेचुरल नंबर तो इनफिनिट पर्यंत ये कौन इनफिनिट पर्यंत जी ना ये एन टा वैल्यू के अप टू सिक्स पर्यंत अच्छी सो कौटू वन रु सिक्स भितर अच्छे एन वैल्यू सो एन ग्रेटर दैन इक्वाल टू वन लेस दैन इक्वाल टू सिक्स दिस इज द कंडीशन देख एन है वन रु स्टार्ट सिक्स पर्यंत वन पकेले वन बाय टू थ्री टू पकेले टू बाय थ्री थ्री पकेले थ्री बाय फोर फोर पकेले फोर बाय फाइव सिक्स फाइव पकेले फाइव बाय सिक्स सिक्स पकेले सिक्स बाय सेवेन तेल एन रहा कौन रहा वैल्यूटा क्या भितर रहा वन रु सिक्स भितर ही रहा एबे देखिबा द एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट का कहो ना ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट तेल देख एलिमेंट किसी नथिबो तेल तुम केमती एग्जांपल नबो अर्थ सेट एम्प्टी थिबो एतर किछ एलिमेंट नैबे ताको आमे 5 वेली रिप्रेजेंट करछे 5 वेली रिप्रेजेंट करछे बा एम्प्टी रिप्रेजेंट करछे 5 और एमती कले ब्राकेट भी किसी ना से कहे जो कि एलिमेंट किसी कंटेन कर देख धर सपोज एमती कह गए एग्जांपल ने एग्जांपल ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन वन लेस देन टू प्रॉपर्टी कौन एक्स इज ए नेचुरल नंबर तो देख एक्स सच दैट एक्स इज कौन एक्स लाइज बिटवीन वन एंड टू देख वन आउ टू वन कंजुगेटिव नंबर वन नेक्स्ट नंबर के टू ताबर आउ नेचुरल नंबर संभव कि जब वन थ्री कही था भितर टू आता ये वन आउ टू कही तेणुक ये भितर कौन किसी ना सो फाइव
दिस इज ए फाई सेट बा एम्प्टी सेट आम कह कौन ना जो कंडीशन प्रॉपर्टी देछि से प्रॉपर्टी रे आम जी रोस्टर फॉर्म में लिखा आम कि एलिमेंट पाइबा ना कौन ना वन आउ टू भी किसी नेचुरल नंबर ना जदि इरेशनल नंबर कही था ताले कौन था कि रैशनल नंबर कही था इरेशनल रैशनल नंबर कही था इनफाइनाइट रैशनल नंबर पाई था जेहेतु ये आम कौन कहे नेचुरल नंबर कही वन आउ टू भितर जमा भी नेचुरल नंबर ना तेणुक ये एम्प्टी सेट हम सपोज बी गोटे सेट दे तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज ए रैशनल नंबर देख ये एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो कंडीशन ताले एक्स कौन हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल कौन हो टू एंड एक्स इज कौन रूट टू तेल रूट टू टा गोटे रैशनल नंबर कि ना रूट टू गोटे रैशनल नंबर ये गोटे कौन इरेशनल नंबर किंतु आम कंडीशन कौन देखिए एक्सटा गोटे कौन हाँ दर रैशनल नंबर हाँ तेणुक ए बी सेटा गोटे कौन हो सो बी सेट इज ए फाइव सेट बा एम्प्टी सेट बोली जहाँ कौचे एम्प्टी सेट बा फाइव बोली आम रिप्रेजेंट कर बुझेगा एब देखा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट